तो एसटीपी में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे रूट ब्रिज के बारे में। रूट ब्रिज क्या है? बीपीडीयू पोस्ट रूट पोर्ट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट। इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है ये, ठीक है। और ये चीजें अगर आपको पता चल गई ना, आपको एसटीपी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रूट ब्रिज क्या है। देखो यार, ये तीन स्विचेज अटैच है, ठीक है। स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, 0/1 एंड 0/2। ओके, अब इनमें से कौन से पोर्ट आपके ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे, कौन से पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगे, वो कौन एसटीपी डिसाइड करेगा। और एसटीपी कैसे डिसाइड करेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक मेन स्विच इलेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ब्रिज। जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे के सारे रूट ब्रिज के अकॉर्डिंग में होंगे। कौन सा पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा और कौन से पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे, डिसीजन सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग होंगे, रूट ब्रिज के अकॉर्डिंग होंगे। और ये जो हम लोग एसटीपी डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग ये तीन स्विचेस के बीच में एसटीपी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन तीन स्विचेस के बीच में एसटीपी समझ में आ गया, देन आप इजिली, अगर आपके पास में और भी स्विचेस हैं, लाइक एक टोपोलॉजी है जहाँ पे मेरे पास में लाइक 10 स्विचेस अटैच हैं, तो उनमें फिर आप लोग इजिली डिसाइड, आप इजिली पता कर सकते हो कौन से पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे और कौन से पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन तीन स्विचेस के बीच में एसटीपी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मेन स्विच की इलेक्शन होगी जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट ब्रिज, ठीक है। अब रूट ब्रिज क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखो ए स्विच विच हैज बेस्ट ब्रिज आईडी, बेस्ट ब्रिज आईडी, बेस्ट ब्रिज आईडी मतलब लोवेस्ट विल बिकम रूट ब्रिज। कौन बनेगा रूट ब्रिज, जिसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, वो स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। अब देखो, हर एक स्विच की ना एक आईडी होती है, स्विच आईडी बोल दो, ब्रिज आईडी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कॉल करेंगे स्विच की, उस आईडी को हम लोग ब्रिज आईडी कॉल करेंगे, ठीक है। तो हर एक स्विच की एक ब्रिज आईडी होती है, और जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोवेस्ट होगी वो स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा। तो अगर मैं आप भी बात करूं ब्रिज आईडी की, ब्रिज आईडी कैसी होती है, ब्रिज आईडी जो है वो 8 बाइट इंफॉर्मेशन है। कितने बाइट की है, 8 बाइट की इंफॉर्मेशन होती है। और जो ये ब्रिज आईडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रायोरिटी
प्लस बेस मैक एड्रेस। मैंने बताया था हर एक स्विच का एक बेस मैक एड्रेस भी होता है ना। तो जो ब्रिज आईडी बनेगी वो स्विच की प्रायोरिटी प्लस उसके मैक एड्रेस से बनेगी, और जो प्रायोरिटी है वो 2 byte इंफॉर्मेशन होती है, और जो मैक एड्रेस होता है वो आपको पता ही है 6 byte का होता है। टोटल कितनी बाइट होगी? 8 byte। तो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, इट इज ए डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर है। मैक एड्रेस तो आपको पता ही है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है आपका। और जो प्रायोरिटी की रेंज होती है, अब देखो कितने बाइट है, 16 बिट होगी ना टोटल, ये 2 byte है, तो टोटल नंबर, टोटल डेसिमल नंबर कितने आएंगे, 65536 है ना। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, प्रायोरिटी की रेंज कितनी होती है, 0265535, टोटल नंबर कितने हो गए, 36 है ना। और एक डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है सभी स्विचेस पे, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी प्रायोरिटी की कितनी, 32768, ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है। और स्विच का बेस मैक एड्रेस तो उसका मैक एड्रेस रहेगा ही, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, स्विच की ब्रिज आईडी बनती है। ठीक है, लेट्स सपोज एक स्विच है मेरे पास में, ये स्विच है, इस स्विच का मैक एड्रेस मैं मान के चल रहा हूँ क्या है, 0A है। तो इसकी ब्रिज आईडी क्या बनने वाली है, 32768 प्लस 0A, ये इस स्विच की बन जाएगी ब्रिज आईडी। तो इसी तरह से हर एक स्विच की क्या बनेगी, एक ब्रिज आईडी बनेगी, और जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोवेस्ट होगी वही स्विच क्या बनता है, रूट ब्रिज बनता है। बात आ रही है ना समझ में? तो मेरे पास में यहाँ पे ये 3 स्विचेज अटैच थे, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, पोर्ट नंबर इज 0x1, 0x2, 0x1, 0x2, 0x1 एंड 0x2। स्विच 1 का मैक एड्रेस मान के चल रहे हैं 0A है, स्विच 2 का 0B एंड स्विच 3 का 0C। ठीक है, तो स्विच 1 की ब्रिज आईडी क्या बनेगी, 32768 प्लस 0A। स्विच 2 की ब्रिज आईडी बनेगी 32768 प्लस 0B, 32768 प्लस 0C। तो इनमें से रूट ब्रिज कौन बनेगा, इनमें से एक मेन स्विच इलेक्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ब्रिज बोलते हैं। और इनमें से रूट ब्रिज बनने कौन से बनने वाला है, स्विच 1 क्या बन जाएगा। देखो पहले प्रायोरिटी कंपेयर होती है, प्रायोरिटी सभी की क्या है, सेम है। अगर प्रायोरिटी सेम है देन वो क्या चेक करता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस किसका लोअर है, स्विच 1 का मैक एड्रेस लोअर है, तो स्विच 1 क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा, है ना। स्विच 1 की प्रायोरिटी ब्रिज आईडी क्या होगी, लोएस्ट होगी, तो स्विच 1 क्या बनने वाला है, रूट ब्रिज बनने वाला है। और अब स्विच 1 के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजन होंगे, कौन सा पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा और कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। बात आ रही है समझ में, कैसे डिसीजन होंगे वो बात करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई अभी तक, ब्रिज आईडी क्या है और रूट ब्रिज बनता कौन सा है। अब देखो हमें तो यहाँ पे पता है ना, स्विच 1 की ब्रिज आईडी क्या है, यहाँ पे लोएस्ट है, बट स्विच 1 को कैसे पता चलेगा मेरी ही ब्रिज आईडी लोएस्ट है, या स्विच 2 को और स्विच 3 को कैसे पता चलेगा स्विच 1 की ही ब्रिज आईडी लोएस्ट है। तो बात करेंगे नेक्स्ट, एक और टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास में क्या, BPDU। तो अब हमने रूट ब्रिज की इलेक्शन करवानी है, किनमें से रूट ब्रिज बनेगा कौन सा, तो हेडिंग डाल लो नेक्स्ट हमारे पास में एक टर्मिनोलॉजी है BPDU। BPDU स्टैंड फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो इसमें लिखना, इट इज लिखना रूट ब्रिज
always generate a hello message after every 2 seconds, and that message is called BPD message. रूट ब्रिज जो है वो आफ्टर 2 सेकंड एक हेलो मैसेज जनरेट हो रहा होता, जनरेट कर रहा होता है, और उस मैसेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीडीयू मैसेज बोलते हैं। इसी में लिखना है, एक और लाइन ऐड करना, इट इज यूज्ड टू इलेक्ट रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू इलेक्ट रूट ब्रिज। बीपीडीयू मैसेज किस लिए यूज होता है? रूट ब्रिज के इलेक्शन के लिए यूज होता है। और बीपीडीयू मैसेज जनरेट करता कौन है? रूट ब्रिज ही जनरेट करता है ना। देखो यार क्या होगा, जब इनिशियली ये तीनों स्विचेज अप आएंगे ना, ये स्विच और ये स्विच, जैसे ये तीनों स्विचेज अप आएंगे, ये तीनों स्विचेज अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करेंगे। एक्चुअली इसको ये लग रहा होगा, इसको पता ही है ना, इसको अभी फिलहाल पता ही नहीं है कि बाकी स्विचेस की ब्रिज आईडी क्या है, और स्विच टू को भी नहीं पता कि बाकी स्विचेस की ब्रिज आईडी क्या है, और इसको भी नहीं पता। तीनों स्विचेस अपने आप को एज ए रूट ब्रिज क्या कर रहे होंगे, अनाउंस कर रहे होंगे। स्विच वन को भी लगेगा मैं रूट ब्रिज हूँ, स्विच टू को भी एंड स्विच थ्री को। ये तीनों अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे होंगे, और जैसे ही तीनों स्विचेज आप पाएंगे रूट ब्रिज अनाउंस कर ही रहे हैं, और रूट ब्रिज क्या जनरेट करता है, अपना एक बीपीडीयू मैसेज जनरेट करता है। तो स्विच वन क्या जनरेट करेगा, अपना एक बीपीडीयू जनरेट करेगा, स्विच टू भी अपना एक बीपीडीयू जनरेट करेगा, स्विच थ्री भी अपना एक बीपीडीयू जनरेट करेगा। स्विच थ्री को भी ये लग रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं रूट ब्रिज हूँ। समझ में आ रही है बात? और ये जो बीपीडीयू जनरेट करते हैं ना स्विचेज, इन बीपीडीयू में अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेजते हैं। क्या लगा के भेजते हैं? अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेजते हैं। अब होगा क्या, अब स्विच टू को और स्विच थ्री को एक बीपीडीयू रिसीव होगा स्विच वन का, जिसमें ब्रिज आईडी क्या होगी, 32768A होगी, और इसकी ब्रिज आईडी क्या है, 0B है, और इसकी क्या है, 0C है। तो इन दोनों को पता चल जाएगा ना, हम दोनों रूट ब्रिज नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलो एक काम करेंगे, इस पे मैं अभी आता हूँ। इन स्विचेस को पता चल जाएगा हम रूट ब्रिज नहीं है। और इस स्विच का जो बीपीडीयू रिसीव हो रहा है उसमें ब्रिज आईडी जो लग के आई थी वो क्या लग के आई थी, हायर लग के आ रही थी। तो इसको पता चल गया था कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही रूट ब्रिज हूँ, और ये दोनों अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब बीपीडीयू सिर्फ कौन जनरेट करेगा, स्विच वन। और ये दोनों स्विचेस को पता चल गया हम लोग रूट ब्रिज नहीं है, तो ये दोनों स्विचेस बीपीडीयू मैसेज जनरेट करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बीपीडीयू मैसेज सिर्फ और सिर्फ कौन जनरेट करता है, रूट ब्रिज। पहले ये क्यों जनरेट कर रहे थे, इनको ये लग रहा था कि हम दोनों क्या है, हम दोनों भी रूट ब्रिज है। समझ में आ रही है ना बात, इतनी चीज क्लियर है? इसको और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग, कैसे इलेक्शन होगी रूट ब्रिज की। तो मैं बात कर रहा था बीपीडीयू के बारे में। रूट ब्रिज जो है वो आफ्टर एवरी 2 सेकंड एक बीपीडीयू एक हेलो मैसेज जनरेट करता है, जिसको हम लोग बीपीडीयू मैसेज बोलते हैं। और ये जो बीपीडीयू मैसेज है वो किसके लिए यूज हो रहा होता है, रूट ब्रिज की इलेक्शन के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, ओके। अब जो बीपीडीयू मैसेज है ना, एक्चुअली 2 टाइप के बीपीडीयू मैसेज है। टाइप्स ऑफ बीपीडीयू की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ अगर बीपीडीयू की बात करें हम लोग, 2 टाइप के बीपीडीयू मैसेजेस हैं। एक होता है हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, और एक होता है टीसीएन बीपीडीयू, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एंड टीसीएन बीपीडीयू। TCN stand for topology change notification or notice. ठीक है, अभी हम लोग जिस BPDU के बारे में बात कर रहे थे, root bridge जो BPDU generate करता after every 2 seconds, और वो बीपीडीयू किस लिए यूज हो रहा था, रूट ब्रिज की इलेक्शन के लिए यूज हो रहा था। वो जो बीपीडीयू था ना वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ही था। तो अभी जो हम लोग बीपीडीयू के बारे में जो बात कर रहे थे वो कौन सा बीपीडीयू था,
कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। अभी टीसीएन बीपीडीयू को स्किप कर दो, टीसीएन बीपीडीयू भी आएगा। टीसीएन बीपीडीयू क्या होता है, इसका क्या यूज है वो भी पता चल जाएगा। बट जो हाँ रूट ब्रिज की इलेक्शन के लिए जो बीपीडीयू जनरेट यूज हो रहा होता है वो कौन सा यूज हो रहा होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ही यूज हो रहा होता है। और कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को कौन जनरेट करता है, रूट ब्रिज जनरेट करता है आफ्टर एवरी 2 सेकंड। क्लियर है ना इतनी चीज। बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है। रूट ब्रिज जो है वो आफ्टर एवरी 2 सेकंड जो बीपीडीयू जनरेट कर रहा है उस बीपीडीयू को कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू बोलते हैं। और उस बीपीडीयू में क्या क्या कंटेंट लग के जा रहे होते हैं वो बात करेंगे। कंटेंट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, क्या क्या कंटेंट ऐड होके जा रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो कंटेंट जा रहे होंगे 12 कंटेंट जा रहे होंगे। ठीक है, क्या क्या कंटेंट होते हैं उस बीपीडीयू में वो बात कर लेते हैं। एक इसमें जा रही होगी प्रोटोकॉल आईडी, तो प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल एक वर्जन फील्ड जा रही होती है, कौन सा वर्जन चल रहा है एसटीपी का। प्रोटोकॉल आईडी में बताएगा प्रोटोकॉल कौन सा है, वर्जन में उस प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा चल रहा है। एक होती है टाइप फील्ड, टाइप फील्ड बताएगी कि ये जो बीपीडीयू है वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है या फिर वो टीसीएन बीपीडीयू है, इस फील्ड से पता चलेगा। एक और फील्ड है यहाँ पे फ्लैग फील्ड, टीसीएन फ्लैग बोल सकते हो, बात करेंगे इसके बारे में। एक इसमें फील्ड होती है रूट ब्रिज आईडी की। देखो मैंने बताया था ना जो रूट ब्रिज जो स्विच बीपीडीयू जनरेट करता है वो कौन जनरेट कर रहा होता है, रूट ब्रिज। तो उस बीपीडीयू में वो स्विच अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहा होगा, किसमें, रूट ब्रिज आईडी में। जैसे स्विच वन अपना जो बीपीडीयू जनरेट कर रहा था तो मैंने बताया था ना उसमें वो अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेजेगा, वो कहां पे लगा के भेज रहा था, यहां पे लगा के भेज रहा था 327680A। और इनिशियली जब स्विच टू एंड स्विच थ्री भी जब आप आए थे वो दोनों भी अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे थे, वो भी जब बीपीडीयू जनरेट कर रहे थे उस बीपीडीयू में यहाँ पे अपनी फील्ड लगा के भेज रहे थे, रूट ब्रिज आईडी में अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहे थे 327680B and 0C। समझ में आ रही है बात। तो एक रूट ब्रिज आईडी लग के जाती है बीपीडीयू में, और कॉस्ट लग के जा रही होती है, कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट क्या है। एक डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी लग के जा रही होती है, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मींस सेंडर ब्रिज आईडी, बात करेंगे इसके बारे में भी। और एक जारी होती है सेंडर और डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी, और मैक्स एज टाइमर, मैक्स एज टाइमर जा रहा होता है और मैक्स एज टाइमर होता है 20 सेकंड। एक और इंफॉर्मेशन जारी होती है फॉरवर्ड डिले टाइमर, फॉरवर्ड डिले टाइम 15 सेकंड होता है, ये 15 सेकंड जा रहा होगा। और एक होता है मैसेज इज, और एक होता है हेलो टाइम, हेलो टाइम कितना होता है 2 सेकंड। ये टाइमर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, जो रूट ब्रिज बीपीडीयू जनरेट कर रहा होता है उसमें एक कंटेंट ऐड होके जा रहा होगा रूट ब्रिज आईडी, उसमें वो अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेजेगा ना, इतना इतना पता चल गया, बाकी सारे कंटेंट पता चल जाएंगे धीरे धीरे। तो ये टोटल 12 कंटेंट जा रहे होते हैं, 12 हो गए ना, हाँ, उस बीपीडीयू मैसेज में। और कौन सा बीपीडीयू है, ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। और जो टीसीएन बीपीडीयू है ना, टीसीएन बीपीडीयू में सिर्फ ये 3 फील्ड होती हैं। अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं, कंटेंट्स ऑफ टीसीएन बीपीडीयू, टीसीएन बीपीडीयू में सिर्फ ये 3 फील्ड्स होंगी, सिर्फ
और कोई फील्ड नहीं होती। और टीशन बीपीडीओ के बारे में बात भी करेंगे, टीशन बीपीडीओ यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, बात आ रही है समझ में? ओके इस फील्ड के बारे में पता चल गया, थोड़ा कोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो कोस्ट है ना, IEEE ने हर एक इंटरफेस की कोस्ट प्री डिफाइन करी हुई है। IEEE ने कोस्ट डिफाइन करी हुई है हर एक इंटरफेस की। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, एक इथरनेट लिंक की, इथरनेट लिंक की कॉस्ट होती है कितनी, 100, ये प्री डिफाइंड है। और फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी होती है, 19, ठीक है। और 1 GB की कॉस्ट कितनी होती है, 4। एंड 10 GB अगर लिंक है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 2। ये कॉस्ट प्री डिफाइंड है पहले से ही, ये डिफॉल्ट कॉस्ट है। हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट चेंज भी करेंगे, ठीक है। और ये ना फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट नहीं है एक्चुअली 19। अगर मेरे पास में 1 GB लिंक है उसकी मैं स्पीड कितनी कर देता हूँ, 100 Mbps, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 19। मेरे पास में फास्ट इथरनेट लिंक है उसकी मैं स्पीड कितनी सेट कर देता हूँ, फास्ट इथरनेट की स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps, तो उसकी कॉस्ट होती कितनी है, 19। अगर उसकी स्पीड में 10 Mbps कर दूं ना, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100। तो ये मत बोलो कि इथरनेट लिंक की कॉस्ट 100 होती है, एक्चुअली जो लिंक की बैंडविड्थ 10 Mbps होती है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 100। अगर आप कॉस्ट चेंज, अगर आप बैंडविड्थ चेंज करोगे, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी उनकी, चेंज हो जाएगी। तो जो मेरे पास में 100 Mbps का लिंक होता है, जो फास्ट इथरनेट लिंक, फास्ट इथरनेट लिंक बाय डिफॉल्ट उसकी स्पीड 100 Mbps की होती है, तो इसीलिए वहां पे 19 कॉस्ट दिखा रहा होता है। 1 Gbps का लिंक, समझ में आ रही है ना बात, तो कॉस्ट जो है वो प्री डिफाइंड है। इतनी चीज क्लियर है? अब ना कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्विच 1 है मेरे पास में, ये स्विच 2 एंड स्विच 3 है, 3 स्विचेज है। इस तरह से कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर इज 0/1, 0/2, 0/3 पे ये लिंक हमने कनेक्ट किया हुआ है, 0/4 पे लिंक कनेक्ट किया हुआ है। इन सबकी एक ब्रिज आईडी भी रहेगी, स्विच 1 की ब्रिज आईडी क्या रहेगी, 32768+0A। इसी तरह से स्विच 2 की ब्रिज आईडी रहेगी और स्विच 3 की भी एक ब्रिज आईडी रहेगी। स्विच 2 की ब्रिज आईडी क्या है, 32768+0B। और स्विच 3 की ब्रिज आईडी क्या है, 32768+0C। ये इनकी ब्रिज आईडीज है ना, हर एक स्विच की एक ब्रिज आईडी होती है, प्रायोरिटी प्लस उनका मैक एड्रेस। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या थी, 32768 प्लस उनका जो भी मैक एड्रेस है। तो अब रूट ब्रिज बनेगा कौन, स्विच 1 क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। तो यहाँ पे रूट ब्रिज आईडी में ना, यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी में आईडी किसकी दिखा रहा होगा, स्विच 1 की। और इवन स्विच 2 पे भी, स्विच 2 को भी पता था रूट ब्रिज कौन है, स्विच 1 है, तो यहाँ पे रूट ब्रिज आईडी मेंशन होगी। और इन पे रूट ब्रिज आईडी में ब्रिज आईडी किसकी शो कर रहा होगा, स्विच 1 की। तो ये रूट ब्रिज आईडी देख के आप पता लगा सकते हो यहाँ पे कि रूट ब्रिज इनमें से है कौन सा। समझ में आ रही है ना बात, चेक करेंगे हम लोग कैसे एसटीपी को चेक करते हैं, डिस्कस करेंगे कैसे आप एसटीपी डिटेल्स को डिस्कस चेक करोगे। अब देखो स्विच 1 जो है वो रूट ब्रिज है, वो क्या जनरेट कर रहा होगा, बीपीडीयू जनरेट कर रहा होगा। उस बीपीडीयू में कौन सा बीपीडीयू जनरेट कर रहा है, कॉन्फिगरेशन बीपीडीयू। और इस कॉन्फिगरेशन बीपीडीयू में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, क्या क्या कंटेंट जा रहे होते हैं, प्रोटोकॉल आईडी छोड़ो, प्रोटोकॉल का बताता है कौन सा है, वर्जन फील्ड वर्जन बताती है, टाइप फील्ड को भी स्किप करो,
टाइप फील्ड ये बताएगी जो बीपीडीओ है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ है या फिर वो टीसीएन बीपीडीओ है। देखो टाइप फील्ड में ना एक बिट होती है, बाय डिफॉल्ट जब कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ जा रहा होगा तो वो बिट जीरो सेट होकर जा रही होगी। अगर कोई स्विच टीसीएन बीपीडीओ जनरेट कर रहा है तो उस टाइप फील्ड में बिट वो वन सेट करके भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। बात आ रही है ना समझ में, समझ में आ रही है बात। तो टाइप फील्ड जो है वो सिर्फ ये बताती है कि कौन सा बीपीडीओ है, तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ है वो वाली बिट क्या जा रही होगी, ऑफ होके जा रही होगी। और उसके बाद में फ्लैग फील्ड को अभी के लिए स्किप करो। उसके बाद में आती है रूट ब्रिज आईडी। तो स्विच वन जब बीपीडीओ जनरेट कर रहा होगा रूट ब्रिज आईडी क्या लगा के भेज रहा होगा उसमें, 32768 प्लस अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहा होगा, और साथ में क्या लगा के भेज रहा होता है, कॉस्ट लगा के भेज रहा होता है। तो इसमें जा रही होगी कॉस्ट। एक लाइन ऐड कर लेना, एक नोट लिख लेना, रूट ब्रिज ऑलवेज जनरेट जीरो कॉस्ट बीपीडीयू। रूट ब्रिज जब भी कोई बीपीडीयू जनरेट करेगा उसमें कॉस्ट कितनी लगा के भेज रहा होता है, जीरो। रूट ब्रिज ऑलवेज जनरेट जीरो कॉस्ट बीपीडीयू। और जो है ना बीपीडीयू जब ट्रांसमिट होता है ना तो इंटरफेसेस की कॉस्ट जो है उस बीपीडीयू में ऐड होती है। आपको क्या बताया, रूट ब्रिज जो अपना बीपीडीयू जनरेट कर रहा है वो बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा कौन से पोर्ट से, जीरो बाय वन पोर्ट से ट्रांसमिट करेगा। तो इस जीरो बाय वन पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। कॉस्ट तो इसने बीपीडीयू जनरेट किया, जीरो सेट करी, रूट ब्रिज जीरो कॉस्ट बीपीडीयू जनरेट करेगा। और इस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट, तो इस पोर्ट की कभी भी कॉस्ट ऐड नहीं होगी। और ये मान लेते हैं लिंक है कौन से, ये लिंक है हमारे फास्ट इथरनेट लिंक है, तो इस लिंक की कॉस्ट 19, इस लिंक की भी कॉस्ट 19 और इस पोर्ट की भी यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी, 19। तो ये कॉस्ट ऐड करेगा इस पोर्ट के, इस पोर्ट की नहीं, इस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट। जिस पोर्ट से बीपीडीयू ट्रांसमिट होगा उस पोर्ट की कॉस्ट ऐड नहीं होगी। कॉस्ट इस बीपीडीयू में किसकी ऐड होती रहती है, जिस पोर्ट से बीपीडीयू रिसीव हो रहा होता है। तो एक कॉस्ट भी ऐड होती है, कॉस्ट जीरो कॉस्ट बीपीडीयू जनरेट करेगा रूट ब्रिज। और एक इसमें जा रही होती है डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मतलब सेंडर ब्रिज आईडी, जो बीपीडीयू जो स्विच इस बीपीडीयू को सेंड कर रहा है, सेंड कौन कर रहा है, स्विच वन ही सेंड कर रहा है ना, तो स्विच वन की ही ब्रिज आईडी रहेगी 32768 प्लस 0A। ठीक है, एक होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, सेंडर डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी मतलब सेंडर पोर्ट आईडी ना, तो जिस पोर्ट से बीपीडीयू, अब देखो यहां पे ना हर एक पोर्ट की पोर्ट आईडी होती है, हर एक पोर्ट की क्या होती है, एसटीपी पोर्ट आईडी। और जो STP पोर्ट आईडी है ये भी दो चीज, वो भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रायोरिटी प्लस इंटरफेस आईडी, इंटरफेस नंबर। और जो प्रायोरिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट 128 होती है। डिटेल से डिस्कस करेंगे इनको, ब्रिज आईडी को भी एंड प्रायोरिटी को, पोर्ट आईडी को भी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 128। इंटरफेस आईडी मतलब इंटरफेस नंबर। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस की पोर्ट आईडी क्या बनेगी, इस इंटरफेस की पोर्ट आईडी बनेगी, प्रायोरिटी क्या होती है बाय डिफॉल्ट 128 प्लस इंटरफेस आईडी, इंटरफेस नंबर क्या है, 01 है तो 1 इसकी पोर्ट आईडी बन जाएगी इस पोर्ट की। और इस पोर्ट की भी क्या रहेगी, एक पोर्ट आईडी रहेगी, इस पोर्ट की पोर्ट आईडी क्या बनेगी, 128 प्लस इंटरफेस नंबर। और इस पोर्ट की पोर्ट आईडी क्या बनेगी, 128 प्लस 4। तो इस तरह से हर एक पोर्ट की क्या रहती है, पोर्ट आईडी भी रहती है, एसटीपी पोर्ट आईडी। तो जब ये बीपीडीयू ट्रांसमिट होगा ना तो सेंडर पोर्ट आईडी भी लग के जाएगी, जिस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहां पे सेंडर पोर्ट आईडी क्या लगेगी बताना, प्लस 1। ये इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होगी, ऐड होगी। और भी बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है, मैंने और भी बहुत सारे कंटेंट्स के बारे में बात करी थी, उन कंटेंट्स को अभी के लिए स्किप करूं। ये रूट ब्रिज अपना ये बीपीडीयू जनरेट करेगा और इस बीपीडीयू को इस पोर्ट से क्या कर देगा, ट्रांसमिट।
और जैसे स्विच टू को ये बीपीडीयू क्या होगा यहां पे रिसीव होगा, रिसीव होते ही ये इस बीपीडीयू को आगे क्या करता है रिले करता है। स्विच वन स्विच टू जो है वो इस बीपीडीयू को आगे क्या करेगा रिले करेगा, और जब इस बीपीडीयू को आगे रिले करेगा ना तो इस बीपीडीयू में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, क्या करेगा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी, वो क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी वो बात करते हैं। तो स्विच टू जब इस बीपीडीयू को आगे ट्रांसमिट कर रहा है तो इस बीपीडीयू में कुछ मॉडिफिकेशन होगी। देखो जो रूट ब्रिज आईडी है वो तो उसी स्विच की रहेगी जो रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज है कौन स्विच वन है तो उसी की ब्रिज आईडी दिखा रहा है। कॉस्ट देखो इस वाले पोर्ट पे बीपीडीयू क्या हुआ था रिसीव हुआ था, तो इस पोर्ट की कॉस्ट क्या होगी उस बीपीडीयू में एड होगी, कितनी कॉस्ट एड कर लेगा 19। और सेंडर ब्रिज आईडी डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी इस बीपीडीयू का आगे सेंड कौन कर रहा है स्विच टू सेंड कर रहा है ना, तो स्विच टू की ब्रिज आईडी लग जाएगी 32768 प्लस 0B। सेंडर पोर्ट आईडी जिस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है उस पोर्ट की पोर्ट आईडी क्या लग के जाएगी 128.3। अरे सेंडर पोर्ट आईडी जिस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये सब कुछ इसमें ये कुछ मॉडिफिकेशन होगी। और अब ये इस बीपीडीयू को इस इंटरफेस से क्या कर देगा आगे ट्रांसमिट कर देगा, और जब स्विच थ्री के पास में जब ये बीपीडीयू आएगा स्विच थ्री भी इस बीपीडीयू को अगर आगे कोई और स्विच अटैच्ड है तो इस बीपीडीयू में क्या करेगा कुछ मॉडिफिकेशन करेगा और फिर आगे उसको क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा। एक तो जैसे इस पोर्ट पे बीपीडीयू क्या होगा रिसीव होगा तो इस पोर्ट की कॉस्ट क्या करेगा वो एड करेगा, 19 आई रही थी और इस पोर्ट की कॉस्ट कितनी थी 19, कॉस्ट कितनी हो जाएगी प्लस होती रहेगी, कॉस्ट 38 हो जाएगी। और जब ये इस बीपीडीयू को आगे कोई और पोर्ट से आगे रिले कर रहा है ट्रांसमिट कर रहा है तो सेंटर ब्रिज आईडी डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी में ब्रिज आईडी किसके लगाते हो सेंटर कौन है कौन सेंड कर रहा है ये खुद सेंड कर रहा है ना बीपीडीयू को तो अपनी ब्रिज आईडी लगा देगा। और डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी जिस पोर्ट से बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा है उस पोर्ट की पोर्ट आईडी, बात आ रही है समझ में, कोस्ट किस पोर्ट की एड होगी जिस पोर्ट पे बीपीडीयू क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, और बीपीडीयू में डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी किसकी लगेगी जो बीपीडीयू क्या कर रहा है जो स्विच बीपीडीयू को ट्रांसमिट कर रहा है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी किसकी लगेगी जिस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। समझ में आ गई बात, इतनी चीज क्लियर है ओके। अब देखो यहां पे मैं वापिस से चलता हूं स्विच, इसको हटा दूं मैं वापिस से चलता हूं किस पे हमारी उस टोपोलॉजी में स्विच वन स्विच टू एंड स्विच थ्री, ये तीन स्विचेस अटैच थे और हमने इलेक्शन करवानी थी यहां पे किसकी रूट ब्रिज की, और रूट ब्रिज की इलेक्शन के लिए बीपीडीयू कौन सा यूज होता है और कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट कौन करता है, सिर्फ रूट ब्रिज ही क्या करता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट करता है ठीक है। अब ये तीनों स्विचेस जैसे ही अप आएंगे तीनों स्विचेस को यही लगेगा कि मैं क्या हूं, अभी फिलहाल जैसे ही तीनों स्विचेस अप आएंगे किसी को पता ही नहीं है किसकी ब्रिज आईडी कितनी है, इन स्विचेस को सिर्फ अपनी ब्रिज आईडी का पता है, तो स्विचेस को ये लगेगा कि हम क्या है रूट ब्रिज है। स्विच वन भी अपने आप को, स्विच टू भी एंड स्विच थ्री भी, ये तीनों अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे होंगे, तो तीनों स्विचेस अपना क्या जनरेट कर रहे होंगे एक बीपीडीयू, और ये बीपीडीयू में कॉस्ट कितनी जा रही होगी वो जीरो कॉस्ट बीपीडीयू जाएगा, कॉस्ट जीरो जाएगी है ना, और ये तीनों स्विचेस उस बीपीडीयू में ब्रिज आईडी किसकी लगा के भेज रहे होंगे अपनी रूट ब्रिज आईडी में, वो अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहे होंगे ठीक है। अब होगा क्या, इनमें से कुछ स्विचेस को सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा, दो टाइप के बीपीडीयूज होते हैं सुपीरियर बीपीडीयू एंड इंफीरियर बीपीडीयू, सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा होगा जो बीपीडीयू बेस्ट होगा, जो बेस्ट बीपीडीयू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सुपीरियर बीपीडीयू, और जो बेस्ट नहीं है वो क्या रहेगा आपका इंफीरियर बीपीडीयू। बात करेंगे सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है, इन स्विचेस को कैसे पता चलेगा सुपीरियर बीपीडीयू, देखो इन स्विचेस में से जिस स्विचेस को सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो स्विचेस अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना बंद कर देंगे, जिस स्विच को सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो स्विच अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देगा बंद कर देगा, तो पता कैसे चलेगा सुपीरियर बीपीडीयू है कौन सा ठीक है। तो बात करेंगे सुपीरियर बीपीडीयू के बारे में, सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई सुपीरियर बीपीडीयू, how switch will identify that which BPDU is
सुपीरियर बीपीडीओ कैसे आइडेंटिफाई होगा? सबसे पहले स्विचेस क्या देखते हैं, लोवेस्ट रूट ब्रिज आईडी। जिस बीपीडीओ में ब्रिज आईडी क्या है, लोवेस्ट है, वो बीपीडीओ क्या रहेगा, सुपीरियर। अगर ब्रिज आईडी सेम है, ब्रिज आईडी क्या है, जैसे ये स्विच है, इस स्विच को ये दो अलग अलग पोर्ट पे दो बीपीडीओ रिसीव हुए, तो इन दोनों में से कौन सा बीपीडीओ सुपीरियर है वो कैसे डिसाइड करेगा? तो इसमें क्या लग के जा रही होगी, रूट ब्रिज आईडी लग के जा रही होगी। इसमें आ रही है सपोज 32768 प्लस 0 ए, और इसमें आ रही है 32768 प्लस 0 बी, और ये वो स्विच 3 था हमारा। इसको दो बीपीडीओ रिसीव हुए हैं, एक स्विच 1 से भी रिसीव हो रहा है और एक स्विच 2 से भी रिसीव हो रहा है। तो इन दोनों में से, इन दोनों बीपीडीओ में से सुपीरियर बीपीडीओ कौन सा, स्विच 3 को कैसे पता चलेगा? तो ये जो स्विच अपना बीपीडीओ भेज रहे हैं उनमें अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहे हैं, तो जिस बीपीडीओ में ब्रिज आईडी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, वो वाला बीपीडीओ क्या रहेगा, सुपीरियर। अगर ये ब्रिज आईडी सेम है, ऐसा भी तो हो सकता है, ब्रिज आईडी क्या होगी, सेम हो सकती है ना, ब्रिज आईडी सेम किस केस में हो सकती है, ये दो स्विचेस हैं, दो पोर्ट हैं, ये अपने दोनों पोर्ट से क्या भेज रहा होगा, एक बीपीडीओ। तो इस पोर्ट पे भी एक बीपीडीओ रिसीवर है और इस पोर्ट पे भी एक बीपीडीओ रिसीवर है, इन दोनों में से कौन सा बीपीडीओ रिसीवर है, सुपीरियर है, कैसे डिसाइड करेगा? तो पहले क्या देख रहा है, पहले देखेगा रूट ब्रिज आईडी। तो इनमें रूट ब्रिज आईडी दोनों में क्या लग के आ रही है, 32768 प्लस 0 ए, यहाँ पे कितनी लग के आ रही होगी, 32768 प्लस 0 ए, ब्रिज आईडी दोनों में ही क्या होगी, सेम। तो डिसाइड नहीं कर पाएगा इन दोनों में से सुपीरियर कौन सा, इन दोनों में से एक ही बीपीडीओ क्या बनेगा, सुपीरियर बीपीडीओ बनेगा। कौन सा बीपीडीओ सुपीरियर है वो कैसे डिसाइड करेगा, रूट ब्रिज आईडी तो सेम है, देन वो क्या देखता है, जिस बीपीडीओ में कॉस्ट क्या लग के आ रही होगी, लोवेस्ट, वो बीपीडीओ क्या होगा, सुपीरियर। तुम देखोगे कॉस्ट भी क्या रहेगी, हो सकता है कॉस्ट भी क्या हो, सेम। फिर वो क्या कंपेयर करेगा, कौन सा बीपीडीओ सुपीरियर है, फिर वो देखता है क्या, लोवेस्ट डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। जिस बीपीडीओ में ब्रिज आईडी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, वो वाला बीपीडीओ क्या रहेगा, सुपीरियर। तुम देखोगे ब्रिज आईडी भी कभी हो सकता है सेम लग के आ रही हो, सेंडर ब्रिज आईडी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी भी हो सकता है सेम आ रही हो दो बीपीडीओ में, एक स्विच के पास में, तब फिर वो क्या कंपेयर करेगा, फिर वो कंपेयर करेगा लोवेस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, लोएस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। हो सकता है ये पोर्ट आईडी भी क्या आ रही हो, सेम, ये भी हम लोग देखेंगे, पोर्ट आईडी भी हो सकता है सेम आ रही हो, देन वो क्या चेक करता है, लोएस्ट रिसीवर पोर्ट आईडी। जिस बीपीडीओ में रिसीवर पोर्ट आईडी क्या है, लोएस्ट है, वो वाला बीपीडीओ क्या बनेगा, सुपीरियर बनेगा। तो बात करेंगे इनमें अभी सुपीरियर बीपीडीओ का कहाँ पे यूज होता है, ये लिख लिया, मेंशन कर लिया ये सभी ने, तो देखो यार मैं वापिस इसी टोपोलॉजी पे आता हूँ। अब हमने यहाँ पे रूट ब्रिज की इलेक्शन करवानी थी इन तीनों स्विचेस में, तो रूट ब्रिज कौन सा इलेक्ट होगा, कैसे डिसाइड होगा, जिस स्विच को देखो होगा क्या, इनिशियली यहाँ जिस स्विच का बीपीडीयू क्या होगा, सुपीरियर होगा, वो स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तीनों स्विचेस जैसे ही आप पाएंगे, तीनों स्विचेस अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे होंगे, वो अपनी ब्रिज आईडी तीनों रूट ब्रिज आईडी में अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहे होंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे इनमें से कुछ स्विचेस को सुपीरियर बीपीडीओ रिसीव होगा, स्विच 2 को एंड स्विच
थ्री को एक सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा, इससे भी बीपीडीयू रिसीवर है, इससे भी इसको बीपीडीयू रिसीवर है। सुपीरियर कौन सा है? स्विच वन वाला बीपीडीयू क्या है? सुपीरियर है, तो इसको पता चल जाएगा स्विच वन क्या है, रूट ब्रिज है। स्विच वन क्या है? रूट ब्रिज है। और जैसे कोई स्विच को अगर कोई सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होता है, वो स्विच अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसमें ब्रिज आईडी क्या लग के आ रही है, 32768+0A, इसकी क्या लग के आ रही है, 32768+0C, और खुद की क्या है, 32768+0B। तो सुपीरियर कौन सा है? ये वाला बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर है ना। तो इस स्विच को एक सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, तो ये अपने आपको रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ऐसे स्विच थ्री को भी दो बीपीडीयू रिसीव हुए थे, स्विच वन से भी एंड स्विच टू से भी। इसमें ब्रिज आईडी क्या लग के आ रही थी, 32768+0A, और इसमें क्या लग के आ रही थी, 32768+0A रूट ब्रिज आईडी। तो और खुद की क्या है, 32768+0C। तो सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है? ये वाला बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर है ना। तो स्विच वन क्या है, स्विच वन रूट ब्रिज है, और ये स्विच थ्री अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, जैसे इसको सुपीरियर बीपीडीयू क्या होगा, रिसीव होगा। और ये अपनी ब्रिज आईडी तो मेंशन करके रखेंगे, और साथ में यहां पे मैंने बताया था ना, इनको पता होता है रूट ब्रिज कौन है, ये अपने पास में इंफॉर्मेशन रखेंगे। बात आगे समझ में इतनी, ओके। अब मैं बात करता हूं यहां पे, ये तो होगी रूट ब्रिज की इलेक्शन, जैसे कोई स्विच को, और हाँ अब इन दोनों को तो सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो गया, ये तो अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना बंद कर देंगे। इसको कोई सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ नहीं, इसको कोई सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव नहीं हुआ ना। अब ये अभी भी अपना बीपीडीयू क्या करता रहेगा, ट्रांसमिट करता रहेगा आफ्टर एवरी 2 सेकंड, ये आफ्टर एवरी 2 सेकंड अपना बीपीडीयू ट्रांसमिट करता रहेगा, और ये अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करता रहेगा, क्योंकि स्विच वन को अभी कोई सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ ही नहीं, तो स्विच वन ही अपने आपको अभी भी एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहा होगा। बात आ गई समझ में। अब यहां पे सिर्फ इलेक्शन हो चुकी है, किसकी, रूट ब्रिज की इलेक्शन हो गई है, किस चीज की इलेक्शन हो गई, रूट ब्रिज की। और रूट ब्रिज की इलेक्शन के लिए क्या यूज हो रहा था, बीपीडीयू। तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, हमने बात कर ली थी यहाँ पे रूट ब्रिज क्या है, बीपीडीयू के बारे में बात कर ली, और कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉस्ट अभी कैसे यूज होगी वो पता चल जाएगा। अब बात करेंगे रूट पोर्ट के बारे में, रूट पोर्ट क्या है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रूट पोर्ट के बारे में। तो हेडिंग डाल लो, रूट पोर्ट क्या होता है, इसमें लिखना ए पोर्ट विच रिसीव्स सुपीरियर बीपीडीयू, सुपीरियर बीपीडीयू विल बिकम रूट पोर्ट। जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा, वो बीपीडीयू क्या, वो पोर्ट क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा, ठीक है, ओके। इसी में एक और लाइन ऐड कर लेना, देयर कैन बी ओनली ए सिंगल रूट पोर्ट ऑन नॉन रूट ब्रिज। देखो एक चीज समझना, जो रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज बीपीडीयू क्या करता है, जनरेट करता है आफ्टर एवरी 2 सेकंड। क्या रूट ब्रिज को कोई बीपीडीयू रिसीव होगा, इलेक्शन हो चुकी है, स्विच वन स्विच टू एंड स्विच थ्री, स्विच टू ने एंड स्विच थ्री ने अपने आपको रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर दिया था, बंद। तो क्या स्विच वन को कभी बीपीडीयू रिसीव होगा, नहीं, स्विच वन को कभी बीपीडीयू रिसीव नहीं होता। स्विच वन क्या करेगा, रूट ब्रिज है स्विच वन, वो हमेशा बीपीडीयू क्या करेगा, ट्रांसमिट। और रूट पोर्ट बनता कौन सा है, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है, रिसीव होता है, और सुपीरियर बीपीडीयू रूट ब्रिज को तो कभी रिसीव हो ही नहीं सकता। तो रूट पोर्ट जो इलेक्ट होंगे वो कहां पे होंगे, नॉन रूट ब्रिज पे इलेक्ट होंगे।
स्विच वन हमारा रूट ब्रिज था, स्विच टू एंड स्विच थ्री क्या थे? नॉन रूट ब्रिज, ठीक है। तो रूट पोर्ट जो इलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रूट ब्रिज पे इलेक्ट होगा, क्योंकि सुपीरियर बीपीडीयू सिर्फ नॉन रूट ब्रिज को ही क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। रूट ब्रिज को कभी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव नहीं होता, बात आगे समझ में। और रूट पोर्ट बनता कौन सा, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा होता है, क्लियर। और एक नॉन रूट ब्रिज पे एक पोर्ट ही आरपी पोर्ट हो सकता है, एक रूट ब्रिज पे, एक नॉन रूट ब्रिज पे मल्टीपल पोर्ट आरपी नहीं हो सकते। इतनी चीज क्लियर है, बात आगे समझ में, ओके। अब हम लोग रूट पोर्ट की इलेक्शन करवाएंगे। देखो हमारे पास में तीन स्विचेस थे, स्विच वन, स्विच टू एंड स्विच थ्री, ये तीन स्विचेस थे। स्विच वन क्या बन गया था, रूट ब्रिज बन गया था, पोर्ट नंबर इज 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, 0/1 एंड 0/2, ओके। और स्विच वन हमारे पास में बन गया था रूट ब्रिज। अब हमने यहां पे रूट पोर्ट की इलेक्शन करवानी है। ये हमारे पास में क्या है, नॉन रूट ब्रिज ना, ओके। ये हमारे पास में नॉन रूट ब्रिज है, और इन दोनों नॉन रूट ब्रिज पे एक एक आरपी पोर्ट की इलेक्शन होगी। अब इस पे दो पोर्ट है, एक ये वाला पोर्ट है और एक ये वाला पोर्ट है, इन दोनों में से एक पोर्ट क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा। और रूट पोर्ट बनता कौन सा है, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है, रिसीव होता है। और कौन से पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा, वो देखेंगे कौन सा, क्यों, देखो स्विच वन ने अपना एक बीपीडीयू ट्रांसमिट किया, इस पोर्ट पे भी एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, और स्विच वन इस पोर्ट से भी तो बीपीडीयू ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो घूमते हुए यहां से भी तो इसको भी तो रिसीव होगा। अरे देखो स्विच थ्री भी उस बीपीडीयू को आगे क्या करेगा, स्विच वन से जो बीपीडीयू रिसीव किया है उसको आगे रिले करेगा। तो इस वाले पोर्ट पे भी एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, इस वाले पोर्ट पे भी एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा है। तो किसने जनरेट किया है, स्विच वन ने, रूट ब्रिज ने एक बीपीडीयू जनरेट किया था, वो स्विच टू को दो पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, यहाँ पे भी और एक बीपीडीयू यहाँ पे भी। अब इन दोनों बीपीडीयू में से एक बीपीडीयू क्या होगा, सुपीरियर होगा। और कौन सा सुपीरियर होगा वो कैसे डिसाइड करेगा, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है वो वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट बन जाएगा। और कौन सा पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है कैसे डिसाइड करेगा, सुपीरियर बीपीडीयू होता कौन सा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे पहले वो क्या कंपेयर करेगा, रूट ब्रिज आईडी, इस बीपीडीयू में कितनी लक्की आ रही होगी, 3-2, और इस वाले बीपीडीयू में भी कितनी लक्की आ रही होगी, यही लक्की आ रही होगी, क्योंकि स्विच थ्री जब उसको आगे रिले करेगा, रूट ब्रिज आईडी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा वो। उसके बाद में वो क्या कंपेयर करता है, लोवेस्ट कॉस्ट, जिस बीपीडीयू में रिसीव हो रही, जिस बीपीडीयू में लोवेस्ट कॉस्ट है वो वाला बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर बीपीडीयू है। इस वाले बीपीडीयू में जो स्विच वन जो कॉस्ट लगा के भेज रहा था, कितनी लगा के भेज रहा था, 0, और इस वाले पोर्ट पे जैसे ही बीपीडीयू रिसीव हुआ, इस वाले पोर्ट की कॉस्ट क्या कर ली, ऐड कर ली, कितनी ऐड होगी, 19। और ये जो बीपीडीयू यहां पे रिसीव हुआ पहले, इस वाली पोर्ट की कॉस्ट क्या करेगा, यहां पे ऐड करेगा 19, अरे 19 ऐड करेगा। और इस बीपीडीयू को आगे जब इस पोर्ट से रिले करेगा, ट्रांसमिट करेगा, इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, तो इस बीपीडीयू में 19 कॉस्ट ऐड कर लेगा, 0 कॉस्ट आ रही थी यहां से, 19 इस पोर्ट पे ऐड कर ली, उस बीपीडीयू को आगे इस पोर्ट से ट्रांसमिट कर रहा है, तो इस वाले पोर्ट की तो कॉस्ट ऐड करेगा नहीं, बट इस वाले पोर्ट पे बीपीडीयू क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इस वाले पोर्ट की कॉस्ट क्या कर लेगा, ऐड, कितनी ऐड कर लेगा, 30। तो इन दोनों में से सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है, ये वाला बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर है, जो कौन से पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, 0/1 वाले पोर्ट पे रिसीव हो रहा है। और रूट पोर्ट बनता कौन सा है, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है, रिसीव होता है, वो वाला पोर्ट क्या बन जाता है, रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट कौन सा बनने वाला है इनमें से, ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट बन जाएगा, बात आ रही है समझ में। तो स्विच टू पे एक हमने रूट पोर्ट की इलेक्शन करवा ली, 0/1 पोर्ट क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा। इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग इलेक्शन करवाएंगे किस चीज की, रूट पोर्ट की, किस पे, देखो इलेक्शन कैसे करवाते होते हैं,
हमेशा इलेक्शन पहले करवाते होते हैं रूट ब्रिज की, फिर उसके बाद में रूट पोर्ट की, किस पे, नॉन रूट ब्रिज पे, फिर किस चीज की इलेक्शन होती है डीपी पोर्ट की। हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले रूट ब्रिज की इलेक्शन करवानी है, फिर हर एक नॉन रूट ब्रिज पे एक आरपी पोर्ट की इलेक्शन करवानी है, देन डीपी पोर्ट की इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो एक स्विच टू पे एक रूट पोर्ट इलेक्ट हो चुका है, अब ये भी मेरे पास में एक नॉन रूट ब्रिज है, इस पे भी एक हम लोग रूट पोर्ट की इलेक्शन करवाएंगे, तो इस पे भी देख लेते हैं। तो अब इस पे भी दो पोर्ट है ना, ओके तो हाँ हाँ अभी करेगा ना, अभी करवाएंगे। देखो अब स्विच थ्री पे हमने रूट पोर्ट की इलेक्शन करवानी है, अब इस पे भी दो पोर्ट क्या है, दो पोर्ट है यहाँ पे, और एक पोर्ट ही क्या हो सकता है, रूट पोर्ट हो सकता है। कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, रूट पोर्ट की डेफिनेशन क्या थी, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है रिसीव होता है वो वाला पोर्ट क्या बनता है, रूट पोर्ट बनता है। तो स्विच वन ने एक बीपीडीयू ट्रांसमिट किया था इस वाले पोर्ट से भी, और इस वाले पोर्ट से भी ट्रांसमिट किया था, वो घूम के यहाँ पे रिसीव होगा। तो इस पोर्ट पे भी एक बीपीडीयू रिसीवर है, इस वाले पोर्ट पे भी बीपीडीयू रिसीवर है, इन दोनों में से सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है, कैसे कैसे डिसाइड करेगा, ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी 32768 प्लस 0 ए लग के आ रही है, और इसमें भी क्या लग के आ रही होगी 32768 प्लस 0 ए, रूट ब्रिज आईडी ये लग के आ रही होगी। उसके बाद में वो क्या कंपेयर करेगा, उसके बाद में वो देखता है कॉस्ट, और इस वाले पोर्ट पे जो बीपीडीयू में कॉस्ट आ रही होगी 0 लग के आ रही होगी, और इस वाले पोर्ट पे जैसे बीपीडीयू रिसीव होगा इस पोर्ट की कॉस्ट क्या कर लेगा, ऐड 19, और यहां से 0 कॉस्ट बीपीडीयू जनरेट हुआ था, इस वाली पोर्ट की कॉस्ट ऐड करी 19, और ये बीपीडीयू का आगे रिले कर रहा है, यहां पे 19 से आ रहा है इसके पास में, और इस वाले पोर्ट की कॉस्ट 19 ऐड कर लेगा, तो कितना हो जाएगा 38। तो इन दोनों में से कौन सा पोर्ट, कौन सा बीपीडीयू सुपीरियर बीपीडीयू कैसे डिसाइड होगा, पहले वो क्या कर रहा था, रूट ब्रिज आईडी देख रहा था सेम है, फिर उसके बाद में वो क्या देख रहा था, किस बीपीडीयू में कॉस्ट लोअर है, इस वाले में ना, तो ये वाला क्या है पोर्ट तुम्हारा, ये वाला बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर बीपीडीयू। तो कौन से पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ है, 0/2 वाले पोर्ट पे रिसीव हुआ है, तो 0/2 वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट, यहाँ पे ये वाला पोर्ट बना था और यहाँ पे ये वाला पोर्ट बनेगा। बात आ गई समझ में, क्लियर है इतनी चीज। तो अभी हमारी टोपोलॉजी कैसी है, अभी ये है हमारे पास में स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, सबसे पहले हमने इलेक्शन करवा ली थी किस चीज की, रूट ब्रिज की, ये स्विच रूट ब्रिज बन गया था, है ना, पोर्ट नंबर 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, और फिर उसके बाद में हमने रूट पोर्ट की इलेक्शन करवाई थी, ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट बन गया था, और ये वाला पोर्ट क्या बन गया था, रूट पोर्ट। अब हमने इलेक्शन करवानी है किस चीज की, डीपी पोर्ट की, किसकी, डेजिग्नेटेड पोर्ट की। अब हमने डेजिग्नेटेड पोर्ट की इलेक्शन करवानी है, कैसे करवाएंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है वो लिख लो, में लिखना ए पोर्ट विच ट्रांसमिट्स, सुपीरियर बीपीडीयू विल बिकम डेजिग्नेटेड डीपी पोर्ट। देखो रूट पोर्ट कौन सा बनता था, जो सुपीरियर बीपीडीयू क्या करता था, जो सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करता था, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा बनेगा, जो सुपीरियर बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा, समझ में आ रही है बात। और सुपीरियर बीपीडीयू होता कौन सा है वो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो ना। तो अब देखो एक नोट लिख लेना इसमें, देखो ऑल पोर्ट्स ऑफ रूट ब्रिज विल बिकम डेजिग्नेटेड पोर्ट। एक्चुअली रूट ब्रिज जो है वो हमेशा सुपीरियर बीपीडीयू ही ट्रांसमिट करते हैं। अरे रूट ब्रिज अपने सभी पोर्ट में सुपीरियर बीपीडीयू क्या कर रहा होगा, ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो सारे के सारे पोर्ट क्या बन जाएंगे, रूट ब्रिज का बीपीडीयू क्या होता है, सुपीरियर होता है, और वो रूट ब्रिज अपने सभी पोर्ट से बीपीडीयू क्या कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो रूट ब्रिज की
जितने भी पोर्स हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, डेंसिटी वेक्टर। इतनी चीज क्लियर है। एक और नोट लिखना, ऑन ए सिंगल सेगमेंट, ऑन ए सिंगल सेगमेंट ऑल पॉइंट कैन नॉट बी डीपी ओवर आरपी। ऑन ए सिंगल सेगमेंट बोथ पॉइंट कैन नॉट बी डीपी ओवर आरपी, नॉट बी डीपी ओवर आरपी। इस लाइन से क्या मतलब है, ये जो सेगमेंट है ना, या ये जो सेगमेंट है ना, इन इन सेगमेंट पे ये दोनों पोर्ट कभी डीपी नहीं हो सकते, या फिर दोनों पोर्ट कभी आरपी नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात, ये दोनों डीपी नहीं हो सकते और दोनों कभी आरपी नहीं हो सकते। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पे हमने डीपी पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो रूट ब्रिज जो है उसके सारे के सारे पोर्ट क्या रहेंगे, डीपी ही रहेंगे। और इन नॉन रूट ब्रिज पे हमने एक एक आरपी पोर्ट की इलेक्शन करवा ली थी, आरपी एक ही रहेगा मैक्सिमम। अब बात करते हैं इस वाले सेगमेंट की, यहाँ पे जो बचा हुआ है। अब इनमें से एक पोर्ट क्या बनेगा, डीपी बनेगा, और ये तो डीपी हो नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, एक सेगमेंट पे दोनों पोर्ट डीपी हो नहीं सकते, और ये आरपी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक आरपी एक ही हो सकता है मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक, या फिर ये वाला डीपी बन जाएगा और ये वाला डीपी हो नहीं सकता, डीपी के सामने डीपी हो नहीं सकता, और डीपी के सामने ये वाला पोर्ट आरपी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आरपी ये वाला बनेगा, इस पे सुपीरियर बीपीडी क्या हुआ था, रिसीव हुआ था। तो ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा। एक्चुअली पता क्या होता है, एक्चुअली ये होता है, एक पोर्ट होता है डीपी पोर्ट, और डीपी के सामने हमेशा होता है नॉन डीपी, और नॉन डीपी या फिर वो आरपी हो सकता है या फिर वो ब्लॉक हो सकता है। समझ में आ रही है बात, मतलब डीपी के सामने हमेशा नॉन डीपी रहेगा, ये डीपी है सामने नॉन डीपी है, या फिर आरपी या फिर ब्लॉक। ये डीपी है सामने क्या है, आरपी। ये डीपी है सामने क्या है, नॉन डीपी, मतलब कौन है, क्या है ये, ब्लॉक। बात आ रही है समझ में। तो अब हमने यहाँ पे स्विच वन एंड स्विच टू एंड स्विच थ्री के बीच में ये जो सेगमेंट है, कौन सा, ये वाला। अब इनमें से हमने डीपी पोर्ट की इलेक्शन करवानी है, ये वाला पोर्ट डीपी बनेगा या ये वाला पोर्ट डीपी बनेगा। और डीपी पोर्ट की डेफिनेशन क्या लिखवाई मैंने आपको, जो सुपीरियर बीपीडीयू क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, वो वाला पोर्ट क्या बन जाता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाता है, डीपी पोर्ट बन जाता है। तो कौन सा बनेगा वो बात करेंगे। अब देखो, स्विच वन ने बीपीडीयू जनरेट कर, कौन रहा है, स्विच वन जनरेट कर रहा है, इस वाले पोर्ट से एक बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा है, और स्विच वन ने यहां से भी एक बीपीडीयू ट्रांसमिट किया था, इस वाले पोर्ट से भी बीपीडीयू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अब इन दोनों पोर्ट में से कौन सा पोर्ट डीपी बनेगा, अब वो कैसे डिसाइड करेगा, इन दोनों पोर्ट में से जो बीपीडीयू क्या क्या है, सुपीरियर ट्रांसमिट हो रहा है, डीपी कौन सा बनेगा, जिस पोर्ट से सुपीरियर बीपीडीयू क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, वो वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, डीपी। तो कौन से सुपीरियर ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे डिसाइड करेगा, देखो पहले क्या कंपेयर करता है, सुपीरियर कौन सा, इससे ट्रांसमिट हो रहा है या इससे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे डिसाइड करेगा। सबसे पहले क्या देखेगा, डेजिग्नेट सॉरी रूट ब्रिज आई डी 32768 प्लस 0A लग के जा रही होगी इस बीपीडीयू में, और इस वाले बीपीडीयू में भी वो अपनी ब्रिज आई डी, रूट ब्रिज आई डी अपनी लगा के भेज रहा होगा 32768 प्लस 0, सेम लग के जा रही है। डिसाइड कर पाएगा कौन सा बीपीडीयू इनमें से सुपीरियर है, नहीं, और इनमें से फिर वो सुपीरियर कौन सा, फिर वो कैसे डिसाइड करेगा, फिर कॉस्ट देखता है, कॉस्ट कितनी जा रही होगी इस बीपीडीयू में, 19, यहाँ पे बीपीडीयू रिसीव हो रहा 0 कॉस्ट से, और इस वाले पोर्ट की कॉस्ट क्या कर ली, ऐड कर ली 19, इस वाले पोर्ट से ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो इस वाले पोर्ट से भी कितनी ट्रांसमिट हो रही होगी, इस वाले बीपीडीयू में भी कॉस्ट कितनी होगी, 19 होगी। उसके बाद में वो क्या देखेगा, क्या कंपेयर करेगा, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। तो स्विच टू, जब स्विच वन ने अपना बीपीडीयू जनरेट किया था, रूट ब्रिज आईडी अपनी लगा के भेजी थी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी भी अपनी लगा के भेजी थी, बट स्विच टू जब इस बीपीडीयू को आगे रिले करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा था, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी में वो अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेज रहा था, क्या लगा के भेजेगा, और ये क्या लगा के भेज रहा होगा। तो इन दोनों में से सुपीरियर बीपीडीयू है कौन सा, जिस बीपीडीयू में डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी क्या है, कॉस्ट कॉस्ट दोनों की क्या थी, सेम थी, तो वो देखेगा आप डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी किसकी लोअर है, स्विच टू से जो बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा है, ये वाला जो बीपीडीयू है उसमें लोअर है, ये वाला बीपीडीयू आपका सुपीरियर है, और ये वाला बीपीडीयू क्या है, इंफीरियर है। और डीपी पोर्ट बनता कौन सा, जिस पोर्ट से सुपीरियर बीपीडीयू क्या हो रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है, वो वाला पोर्ट क्या बन जाता है,
डीपी पोर्ट। तो डीपी पोर्ट कौन सा बन जाएगा इनमें से, ये वाला पोर्ट बन जाएगा डीपी, और डीपी के सामने आरपी ऑलरेडी इलेक्ट हो ही रखा है, तो ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक। डीपी के सामने डीपी हो नहीं सकता, डीपी और स्विच थ्री पे ऑलरेडी एक आरपी पोर्ट इलेक्ट हो ही रखा है, तो डीपी के सामने हमेशा नॉन डीपी होता है, आरपी ऑलरेडी इलेक्ट हो रखा है, तो फिर वो नॉन डीपी क्या रहेगा आपका, ब्लॉक। क्लियर है ये चीज, कैसे इलेक्शन हो रही है पता चला। ओके ठीक है, अब एक और केस डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास में ये दो स्विचेस अटैच्ड हैं, स्विच वन एंड स्विच टू। अब आप लोग बताओगे कौन सा पोर्ट, ये दो स्विच के बीच में दो लिंक है, स्विच वन एंड स्विच टू। पोर्ट नंबर इज 0/1, 0/2, पोर्ट नंबर इज 0/2, 0/1। कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा, स्विच वन क्या बन गया हमारे पास में, रूट ब्रिज, और इसके दोनों पोर्ट क्या रहेंगे, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या रहते हैं, डीपी। अब आरपी इलेक्ट करवाना है स्विच टू पे, कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, क्या डेफिनेशन, कौन सा क्या डेफिनेशन थी रूट पोर्ट की, रूट पोर्ट कौन सा बनता है, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है, रिसीव होता है। तो नॉन रूट ब्रिज पे एक रूट पोर्ट की इलेक्शन करवानी है, कौन सा रूट पोर्ट बनेगा, इन दोनों पोर्ट पे एक बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, कौन सा सुपीरियर है, कैसे डिसाइड करेगा, इन दोनों बीपीडीयू में रूट ब्रिज आईडी क्या लग के आ रही होगी, जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट बन जाएगा। तो इन दोनों पोर्ट पे जो बीपीडीयू रिसीव हो रहा है रूट ब्रिज आईडी, अब सुपीरियर है कौन सा दोनों में, कैसे डिसाइड करेगा, सबसे पहले क्या कंपेयर करता है उस बीपीडीयू में, इन दोनों पोर्ट में से, इन दोनों बीपीडीयू में से कौन सा बीपीडीयू सुपीरियर कैसे डिसाइड करने वाला है, सबसे पहले कंपेयर करेगा रूट ब्रिज आईडी। तो रूट ब्रिज आईडी दोनों ही पोर्ट्स पे जो बीपीडीयू रिसीवर है दोनों ही बीपीडीयू में क्या सेम है, डिसाइड कर पाएगा नहीं। उसके बाद में क्या कंपेयर करेगा, कॉस्ट दोनों पे कितनी आ रही है, 19, 0 भेज रहा था यहां से, और ये दोनों अपनी कॉस्ट ऐड कर लेंगे कितनी, 19, तो दोनों की सेम है, कोई बीपीडीयू में लोअर नहीं है, दोनों में सेम है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन सा बीपीडीयू आपका सुपीरियर बीपीडीयू है। फिर उसके बाद में क्या डिसाइड करेगा, क्या कंपेयर करेगा, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी भी क्या लग के आ रही होगी, सेम स्विच वन ही सेंड कर रहा है दोनों पोर्ट से बीपीडीयू, तो 32768+0 ए यहाँ पे आ रही होगी, ए यहाँ पे आ रही होगी, डिसाइड कर पाएगा कौन सा बीपीडीयू सुपीरियर है नहीं। फिर उसके बाद में क्या कंपेयर करेगा, लोअर डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, तो इस पोर्ट से जब बीपीडीयू ट्रांसमिट होगा तो इस पोर्ट का एक पोर्ट आईडी लग के जाएगी, और इस पोर्ट से जब बीपीडीयू ट्रांसमिट होगा तो इस पोर्ट की पोर्ट आईडी लग के जाएगी। तो कौन से पोर्ट पे लोअर पोर्ट आईडी रिसीव हो रही है, कौन से बीपीडीयू में लोअर पोर्ट आईडी है, इस वाले बीपीडीयू में है ना, इस वाले में हायर लग के आ रही है, तो सुपीरियर कौन सा है, ये वाला बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर है, तो इस वाले पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी, और ये आरपी ऑलरेडी इलेक्ट हो ही रखा है, और डीपी के सामने फिर क्या हो जाएगा, फिर वो पोर्ट ब्लॉक। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज, और ना बच्चे गलती करते हैं यहां पे ना, इस वाले पोर्ट की पोर्ट आईडी देख लेते हैं, ये नहीं देखना, जो बीपीडीयू में पोर्ट आईडी लोअर लग के आ रही होगी वो देखनी है, समझ में आ रही है बात। एक्चुअली रूट पोर्ट की इलेक्शन होगी किससे, जो जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो किस पे रहा था, इस पे रिसीव हो रहा था ना, तो पोर्ट आईडी इनकी लग के जा रही होती है, इनकी तो कभी पोर्ट आईडी ऐड होती ही नहीं है बीपीडीयू में, जिस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होता है उस पोर्ट की पोर्ट आईडी ऐड नहीं होती, जिस पोर्ट से बीपीडीयू क्या हो रहा होता है ट्रांसमिट, उस पोर्ट की पोर्ट आईडी ऐड हो रही होती है। आगे बात समझ में ना, अब देखो सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा, वो कैसे डिसाइड करता था, मैंने एक और आपको वहां पे क्राइटेरिया बताया था उसका, रिसीवर पोर्ट आईडी याद है, उसको कब कंपेयर करेगा वो बात करते हैं। स्विच वन है, स्विच टू है, स्विच थ्री है, ये तीन स्विचेस अटैच्ड हैं, ऐसे नहीं, स्विच वन स्विच टू, ठीक है, बीच में एक हब लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में ना यहां पे दो लिंक है ये, ठीक है, ये स्विच वन है मेरे पास में और ये स्विच टू है, पोर्ट नंबर इज 0/1, पोर्ट नंबर इज 0/1, पोर्ट नंबर इज 0/2। तो रूट ब्रिज कौन बनेगा, स्विच वन क्या बन जाएगा, और ये वाला पोर्ट इसका क्या बन जाएगा, डीपी। अब स्विच पे एक
रूट पोर्ट की इलेक्शन करवानी, या फिर ये वाला पोर्ट बनेगा या फिर ये वाला पोर्ट बनेगा, कैसे डिसाइड करेगा? जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीओ क्या हो रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा, इस वाले पोर्ट पे भी देखो ये स्विच क्या करेगा, स्विच अपना बीपीडीओ ट्रांसमिट करेगा इस पोर्ट से, हब सिंपली उसको क्या कर देगा, दोनों पोर्ट से आगे सेंड कर देगा। हब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा उस बीपीडीओ में, क्योंकि हब के अंदर कोई एसटीपी चलता ही नहीं है, ये आपका नॉन एसटीपी डिवाइस है। समझ में आ रही है बात? अब इस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीओ रिसीवर है या इस वाले पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीओ रिसीवर है, कैसे डिसाइड करेगा? सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा, रूट ब्रिज आईडी दोनों पोर्ट पे क्या लग क्या रही होगी सेम, फिर क्या कंपेयर करेगा, कोस दोनों पोर्ट पे क्या रही होगी सेम, क्योंकि ये जीरो भेज रहा होगा और इस वाले पोर्ट पे और इस वाले पोर्ट पे कितने है? 19 तो सेम आ रही है 19, डिसाइड कर पाएगा नहीं। फिर उसके बाद में क्या कंपेयर करेगा, सेंडर ब्रिज आईडी डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी दोनों पे सेम ही आ रही होगी, स्विच वन इस वाले बीपीडीओ में सेम ही तो लगा के भेज रहा होगा, सेंडर ब्रिज आईडी दोनों में सेम ही लग के आ रही होगी। फिर उसके बाद में क्या कंपेयर करेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी क्या लग के जा रही होगी, 128.1 दोनों पे क्या आ रही होगी, सेम ही तो आ रही होगी। समझ में आई बात की नहीं आई? अरे ये बीपीडीओ आया, हब तो उसको सिंपली रिले कर देगा ना, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी भी दोनों पे क्या लग के आ रही है सेम, तो अब इनमें से रूट पोर्ट कौन सा बनेगा, जिस पोर्ट पे, अब इनमें से सुपीरियर कौन सा है कैसे डिसाइड होगा, अगर पोर्ट आईडी भी दोनों में सेम लग के आ रही है, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी भी दोनों में सेम लग के आ रही है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा इनमें से सुपीरियर बीपीडीओ कौन सा है। फिर वो कंपेयर करेगा खुद की पोर्ट आईडी, रिसीवर पोर्ट आईडी, रिसीवर पोर्ट आईडी जिसकी लोअर है वो वाला बीपीडीओ क्या हो जाएगा, सुपीरियर। रिसीवर पोर्ट आईडी यहां पे आके कंपेयर करता है, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी, और ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक। आगे बात समझ में ना, तो मैंने यहां पे आपको कुछ मेंशन किया था, कहां गया हूं, सुपीरियर बीपीडीओ कौन सा है पता चल गया, कैसे डिसाइड होगा, और रूट पोर्ट बनता कौन सा है, जो पोर्ट सुपीरियर बीपीडीओ रिसीव करता है, डीपी पोर्ट बनता कौन सा है, जो पोर्ट से सुपीरियर बीपीडीओ ट्रांसमिट हो रहा होता है वो पोर्ट डीपी पोर्ट बनता है। क्लियर? तो अभी हमने यहां पे इलेक्शन करवा ली थी, स्विच वन ये है हमारे पास में, ठीक है, स्विच वन जो है था ये हमारे पास में, ये क्या था आपका, रूट ब्रिज था, और ये दो स्विचेस थे, और हमारे पास में कुछ अभी आउटपुट हमारे पास में कुछ ऐसा आया है, देखो स्विच वन स्विच टू एंड स्विच थ्री, पोर्ट नंबर इज 0/1 0/2 0/1 0/2 0/1 एंड 0/2। ये स्विच हमारा रूट ब्रिज बन गया था, और ये दोनों पोर्ट क्या बन गए थे इसके, डीपी, ये वाला पोर्ट आरपी बना था, ये वाला पोर्ट आरपी बना था, ये वाला पोर्ट डीपी बना था, और ये वाला पोर्ट किस में था, ब्लॉकिंग में था, और यहां पे एक लैन यूजर है, और यहां पे एक लैन यूजर है, या यही लैन यूजर लगा लो, इसने कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया, फ्रेम इन दोनों पोर्ट से आगे क्या कर देगा, ट्रांसमिट, यहाँ पे फ्रेम रिसीव हुआ इसकी कॉपी इस वाले पोर्ट पे भेज देगा, और इस वाले पोर्ट पे ब्लॉकिंग स्टेट में, ब्लॉकिंग स्टेट पे अगर कोई बीपी, अगर कोई डेटा रिसीव भी होता है तो उसको क्या कर देगा, वो डिस्कार्ड, और यहाँ पे जो डेटा रिसीव हुआ है इस वाले पोर्ट से उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा नहीं, लूप बनेगा क्या अब यहाँ पे, नहीं। तो अगर यहाँ पे एक लैन यूजर है और यहाँ पे एक लैन यूजर है, इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, इस वाले पाथ से इनका कम्युनिकेशन होगा, इस पाथ से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा, बात आ रही है समझ में, ओके। अब बात करेंगे पोर्ट स्टेट्स के बारे में, पोर्ट स्टेट्स इन एसटीपी, एसटीपी पोर्ट स्टेट्स, एसटीपी में पोर्ट की स्टेट्स होती हैं क्या क्या होती हैं, एक होती है डिसेबल स्टेट, पोर्ट्स की स्टेट होती हैं डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग,
एंड फॉरवर्डिंग। ये फाइव स्टेट्स होती हैं पोर्ट्स पे, पोर्ट्स की। देखो जब पोर्ट आपके शटडाउन में पड़े होते हैं, उन पोर्ट की स्टेट क्या रहेगी? डिसेबल। देखो स्विचेज जैसे ही अप आएंगे, स्विचेज अप आते ही बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा पोर्ट्स वन बाय वन आपके अप आ रहे होते हैं ना, वन बाय वन पोर्ट क्या हो रहे होते हैं आपके अप आ रहे होते हैं ना, दिखा रहा होता है ना आपको। जब स्विच अप आता है आपका, तो पहले क्या पड़ा होता है, पोर्ट आपका डाउन पड़ा होता है, शट डाउन पड़ा होता है, और उन पोर्ट्स पे बाय डिफॉल्ट एक कमांड चली होती है क्या, नो शट डाउन। तो जैसे ही स्विचेज अप आएंगे पोर्ट डाउन पड़े होंगे, वो नो शट डाउन कमांड चली होगी, तो पोर्ट को क्या करेगा, वो अप करेगा। तो जब तक पोर्ट आपका डाउन पड़ा होता है तब तक पोर्ट की स्टेट क्या रहती है, डिसेबल। समझ में आ गई बात? और जैसे ही पोर्ट आपका अप आएगा, अप आते ही पोर्ट कौन सी स्टेट में आएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में। कौन सी स्टेट में आएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में। समझ में आ रही है बात? और ब्लॉकिंग से पोर्ट आपका इमीडिएटली मूव कर जाता है किसमें, ये स्विच है मेरे पास में, और इस स्विच पे ये पोर्ट है, ये पोर्ट जैसे ही डाउन पड़ा था, शटडाउन पड़ा था, डिसेबल स्टेट में था, इस ये पोर्ट आपका नो शटडाउन हुआ, कौन सी स्टेट में आएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में, और ब्लॉकिंग स्टेट से इमीडिएटली विद इन मिली सेकेंड मूव कर जाएगा कौन सी स्टेट में, लिसनिंग स्टेट में, और लिसनिंग स्टेट में ये पोर्ट जो है वो आपका टाइम स्पेंड करेगा अराउंड 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक ये पोर्ट किस में रहेगा, लिसनिंग स्टेट में। फिर पोर्ट आएगा कौन सी स्टेट में, लर्निंग में, और लर्निंग स्टेट में भी वो पोर्ट आपका टाइम स्पेंड करेगा कितने टाइम, 15 सेकेंड। लर्निंग स्टेट में रहेगा 15 सेकेंड, एंड देन फिर किस में आएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट। एक ना मैंने BPDU में आपको एक फॉरवर्ड डिले टाइमर लिखवाया हुआ है, फॉरवर्ड डिले टाइमर कितना लिखवाया हुआ है, 15 सेकेंड। मतलब पोर्ट आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करने में कितना टाइम लेता है, 15 सेकेंड। इस स्टेट में आया, टाइम कितना स्पेंड करेगा, 15 सेकेंड, देन किस में मूव करेगा, फॉरवर्डिंग में। ठीक है, तो ये आपका ये क्या था, फॉरवर्ड डिले टाइमर था। पोर्ट आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करने में कितना टाइम ले रहा होता है, 15 सेकेंड, इसी को हम लोग फॉरवर्ड डिले टाइमर बोलते हैं। कितनी चीज क्लियर है? ओके, अब बात करेंगे कौन सी स्टेट में क्या होता है। अगर कोई पोर्ट आपका डिसेबल स्टेट में है, तो उस पोर्ट से BPDU ना ही सेंड होगा ना ही रिसीव होगा, पोर्ट डाउन पड़ा है ना, और उस पोर्ट से डेटा ना ही सेंड हो रहा होता है ना ही रिसीव हो रहा होता है, और मैक एड्रेस, उस पोर्ट पे मैक एड्रेस लर्न नहीं कर रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है, पोर्ट ही डिसेबल स्टेट में है तो डेटा ही रिसीव नहीं करेगा, तो मैक एड्रेस कैसे लर्न कर लेगा वो। ये कौन सी स्टेट है, डिसेबल स्टेट। और जब पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में आता है, ब्लॉकिंग स्टेट में जो पोर्ट है वो BPDU कभी सेंड नहीं करता, बट हाँ BPDU रिसीव कर सकता है। जो पोर्ट आपका क्या रहेगा, ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, वो BPDU सिर्फ क्या करेगा, सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, जो पोर्ट आपका क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में। और जो पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में, उस पोर्ट से डेटा ना ही सेंड होगा ना ही रिसीव होगा, और मैक एड्रेस भी लर्न नहीं होगा उस पोर्ट, सिर्फ रिसीव कर सकता है। मैंने क्या लिखवाया है, रिसीव, मैंने सेंड बोल दिया था क्या, ठीक है गलती होगी। तो पता नहीं चलता ना सुबह सुबह, अभी तक आंखें नहीं खुली है। ओके, ब्लॉकिंग स्टेट में देखो क्या होगा, ब्लॉकिंग स्टेट में BPDU सिर्फ क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, BPDU सेंड नहीं होगा ब्लॉकिंग पोर्ट से। ठीक है, लिसनिंग स्टेट में अगर मैं बात करूं, BPDU सेंड भी होता है रिसीव भी होता है, बट डिपेंड करेगा किस चीज पे, वो पोर्ट आपका रूट पोर्ट बना है या पोर्ट आपका डीपी पोर्ट बना है। जैसे ये दो स्विचेस थे, स्विच वन एंड स्विच टू। ठीक है, ये वाला पोर्ट क्या बन गया था, पोर्ट अप आए, ये वाला पोर्ट क्या बन गया था, डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या बना था, आरपी। अभी पोर्ट कौन सी स्टेट में है, दोनों, लेट्स सपोज दोनों पोर्ट आपकी अभी लिसनिंग स्टेट में है। अब लिसनिंग स्टेट में है, तो इस वाले पोर्ट से BPDU सिर्फ क्या हो रहा होगा,
ट्रांसमिट, और जो रूट पोर्ट होता है वो बीपीडीयू क्या करता है, रिसीव। तो इस वाले पोर्ट पे बीपीडीयू क्या हो रहा होगा, रिसीव। वो डिपेंड करेगा पोर्ट रोल पे, पोर्ट को रोल क्या मिला है, डीपी मिला है पोर्ट रोल, तो बीपीडीयू क्या कर रहा होगा, लिसनिंग स्टेट में सेंड कर रहा होगा। अगर पोर्ट रोल क्या मिला है, आरपी मिला है, तो बीपीडीयू क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, ये पोर्ट रोल पे। तो मैंने जो सेंड रिसीव लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डीपी बना हुआ है तो सेंड भी करेगा लिसनिंग में और रिसीव भी करेगा, ऐसा नहीं है। अगर डीपी बना हुआ है तो सेंड करेगा और आरपी बना हुआ है तो रिसीव करेगा। और इस पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा और कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। अगर कोई पोर्ट आपका लिसनिंग स्टेट में है उस पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो लिसनिंग स्टेट में बीपीडीयू सेंड भी होता है रिसीव भी होता है, बट डिपेंड करेगा किस पे, पोर्ट रोल पे, पोर्ट को रोल क्या मिला है, ठीक है। मैं बात करूं अगर लर्निंग स्टेट की, और ये पोर्ट आपका लिसनिंग स्टेट में 15 सेकंड के लिए टाइम स्पेंड करेगा वहां पे, देन लर्निंग स्टेट में बीपीडीयू ट्रांसमिट भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है, फिर से डिपेंड करेगा पोर्ट रोल पे। अगर डीपी बना हुआ है तो बीपीडीयू उस पोर्ट से ट्रांसमिट हो रहा होगा, आरपी बना हुआ है तो उस पोर्ट से बीपीडीयू रिसीव हो रहा होगा, बट हाँ डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा, बट हाँ मैक एड्रेस लर्न करना स्टार्ट कर लेगा। अब डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा तो मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा, जो बीपीडीयू मैसेज आ रहा होगा बीपीडीयू में तो मैक एड्रेस लग के आ रहे होंगे ना, सोर्स मैक एड्रेस, उसको लर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद में पोर्ट कौन सी स्टेट में आता है, फॉरवर्डिंग स्टेट में। इसमें भी बीपीडीयू सेंड भी हो रहा होगा रिसीव भी हो रहा होगा, बट डिपेंड करेगा फिर से रोल पे, पोर्ट रोल क्या मिला हुआ है, ठीक है। डीपी बना हुआ है तो बीपीडीयू ट्रांसमिट हो रहा होगा खाली, आरपी बना हुआ है तो बीपीडीयू खाली रिसीव कर रहा होगा। हाँ, डेटा सेंड होना और रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा और मैक एड्रेस भी क्या कर रहा होगा, लर्न कर रहा होगा। बात आ गई इतनी समझ में। चलो वापिस से मैं उस टोपोलॉजी में आता हूँ, ये लिख लिया ना सभी ने, ये किसके रहेगी स्पेक्स। आप अपनी आंखें बोल लीजिए। ओके, मैं वापस उसी टोपोलॉजी में आता हूँ। ये टोपोलॉजी में हमने डिस्कस किया था, ये रूट ब्रिज बना था, ये हमारे क्या थे, नॉन रूट ब्रिज। अब देखो यार, ये भी नॉन रूट ब्रिज था। इनिशियली जब दोनों स्विचेस अप आए थे तो ये अपने आप को स्टार्टिंग में, तो तीनों अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे थे ना, स्टार्टिंग में अपने आप को तीनों एज ए रूट ब्रिज क्या कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, है ना। तीनों स्विचेस अप आएंगे, स्विचेस अप आए, स्विचेस के पोर्ट अप आएंगे, स्विचेस के पोर्ट किस में पड़े हुए थे, कौन से स्टेट में पड़े हुए थे, डिसेबल स्टेट में। पोर्ट किस में आएंगे, ब्लॉकिंग स्टेट में, ब्लॉकिंग से किस में आएंगे, इमीडिएटली लिसनिंग में मूव कर जाएंगे। और इसको लग रहा है कि मैं क्या हूं, मैं रूट ब्रिज हूं, तो इसके दोनों पोर्ट क्या बनेंगे, ये डीपी, इसके भी दोनों पोर्ट डीपी, इसके भी दोनों पोर्ट, इसके भी दोनों पोर्ट डीपी। इनिशियली तीनों स्विचेस अपने आपको एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे होंगे, और इन पोर्ट की स्टेट कौन सी है फिलहाल, अभी लिसनिंग स्टेट। और होगा क्या, डीपी बनने जरूरी है ना, तभी तो ये अपने इन दोनों पोर्ट से बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा, ये भी अपने बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा, ये भी अपना बीपीडीयू ट्रांसमिट करेगा। तीनों स्विचेस अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहे हैं, और आप लोगों को वैसे ही पता है रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या होते हैं, डीपी ही होते हैं। अब होगा क्या, स्विच टू को एंड स्विच थ्री को क्या रिसीव होगा, एक सुपीरियर बीपीडीयू। तो स्विच टू एंड स्विच थ्री अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है वो वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, अपना पोर्ट का रोल चेंज कर लेगा, आरपी बन जाएगा। इस पे भी एक सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा था, ये अपना पोर्ट रोल चेंज कर लेगा, आरपी बन जाएगा। अभी भी पोर्ट कौन सी स्टेट में है, लिसनिंग स्टेट में। ये वाला पोर्ट आपका डीपी ही रहेगा, और ये वाला पोर्ट आपका किस में चला जाएगा, ये अपने आपको एक स्टेट बैक ले जाएगा, किस में, ब्लॉकिंग स्टेट में। और ये सारे के सारे पोर्ट अभी फिलहाल किस में है, लिसनिंग स्टेट में। रूट ब्रिज की इलेक्शन, डीपी पोर्ट की इलेक्शन, आरपी पोर्ट की इलेक्शन जो है ना वो लिसनिंग स्टेट में हो जाती है। अभी पोर्ट ये आपका, ये वाला पोर्ट, ये पोर्ट, ये सारे पोर्ट अभी लिसनिंग स्टेट में रहेंगे, कब तक,
15 सेकंड तक। उसके बाद में पोर्ट किस में आएंगे, लर्निंग में आएंगे। फिर से कितना टाइम स्पेंड करेंगे, 15 सेकंड। देन अब ये पोर्ट किस में आएंगे आपके, फॉरवर्डिंग स्टेट में आएंगे ये सभी पोर्ट। अब फॉरवर्डिंग में आ गए, अब इन पोर्ट से डेटा सेंड रिसीव होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। मतलब ये दो लैन यूजर हैं, इन दोनों लैन यूजर को वेट करना पड़ेगा इन पोर्ट्स को कौन सी स्टेट में आने में, फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में। तो 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। एसटीपी 30 सेकंड ले लेता है अपनी टोपोलॉजी को कन्वर्ज करने में। बात आ रही है समझ में, कितना टाइम लग रहा है यहां पे टोपोलॉजी कन्वर्ज होने में, 30 सेकंड। कौन सा पोर्ट डीपी बनाए, कौन सा पोर्ट आरपी, और वो जो आपके कौन से पोर्ट आरपी बने हुए हैं वो पोर्ट फॉरवर्डिंग में आने में भी 30 सेकंड लेंगे। तो ये कंप्लीट टोपोलॉजी कन्वर्ज होने में 30 सेकंड ले लेता है एसटीपी। क्लियर है इतनी चीज। और अब ये 30 सेकंड के बाद में ये लाइन यूजर कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बात से कम्युनिकेशन हो रहा होगा। और ये दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में टाइम लेंगे ना, 15 सेकंड लिसनिंग में, 15 सेकंड लर्निंग में टाइम स्पेंड करेंगे, देन किस में आएंगे, फॉरवर्डिंग में। और डेटा सेंड रिसीव इन पोर्ट से होना कब स्टार्ट होगा, द पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। क्लियर है ना इतनी चीज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे अभी। तो जो आपका इलेक्शन है वो कौन सी स्टेट में हो जाती है, लिसनिंग स्टेट में। तो मैंने कुछ पोर्ट स्टेट्स के बारे में बात करी, वैसे ही पोर्ट्स पे क्या होते हैं, पोर्ट के कुछ रोल्स होते हैं। पोर्ट रोल्स, पोर्ट रोल्स क्या है, पोर्ट आपका कोई डीपी बन सकता है, या फिर पोर्ट क्या हो सकता है, पोर्ट को रोल क्या मिल सकता है, आरपी का, या फिर पोर्ट को रोल क्या मिल सकता है, ऑल्टरनेट पोर्ट। और ऑल्टरनेट पोर्ट कौन सा होगा, जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी स्टेट क्या होगी, इस पोर्ट की स्टेट ब्लॉकिंग है, रोल क्या है, ऑल्टरनेट है। ये क्या बना हुआ है, रोल क्या है इसका, डीपी। इसका रोल क्या है, डीपी। इसका रोल क्या है, आरपी। आरपी इसका रोल क्या मिला हुआ है, पोर्ट को डीपी। इस वाले पोर्ट को रोल क्या मिला हुआ है, ऑल्टरनेट। बात आ गई समझ में। और जो डीपी है और जो आरपी है वो पोर्ट की स्टेट क्या रहेगी, किसमें आएंगे, लिसनिंग में, लर्निंग में, देन किसमें चले जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में। समझ में आ रही है बात, इतनी चीज क्लियर है। बट हाँ, जो अल्टरनेट पोर्ट है उसकी जो स्टेट है वो ब्लॉकिंग में ही आके क्या हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट में मूव नहीं करेगा। जो पोर्ट आपका क्या रहेगा, अल्टरनेट पोर्ट रहेगा। पहले ये डीपी बना हुआ था ना, ये पोर्ट क्या हो गया, ब्लॉक में, अल्टरनेट पोर्ट बन गया। मतलब कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ये लिस्टिंग से अपनी एक स्टेट बैक ले जाएगा, किस में, ब्लॉकिंग में चला जाएगा ये पोर्ट आपका। और ये ब्लॉकिंग में आके क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा वहीं पे, नेक्स्ट स्टेट में मूव नहीं करेगा, जो पोर्ट आपका अल्टरनेट पोर्ट होता है। और ये जो पोर्ट है ये नेक्स्ट स्टेट में मूव करते रहेंगे, और ये कहां तक जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट तक। बात आ रही है समझ में। और अब अगर मैं बात करूं स्टेट्स के बारे में, डिस्कस कर रहे थे कहां गए, ये जो स्टेट आपकी, ये आपकी स्टेट जो ब्लॉकिंग स्टेट है वो एक ट्रांजिट स्टेट हो सकती है, या फिर एक स्टेबल स्टेट हो सकती है। अगर पोर्ट अल्टरनेट पोर्ट है तो स्टेट क्या रहेगी, स्टेबल। इसी स्टेट में ये पोर्ट आपका स्टेबल रहेगा, है ना। ट्रांजिट स्टेट कब होगी, जब पोर्ट आपका अप आया तो ब्लॉकिंग से इमीडिएटली पोर्ट किस में मूव कर जाता है, जब वो डीपी बनता है ब्लॉकिंग में मूव कर जाता है, ब्लॉकिंग में मूव करता है ना, अप आते ही पोर्ट आपका। बात आ रही है समझ में। जो लिसनिंग स्टेट है वो क्या है, वो एक ट्रांजिट स्टेट है। लिसनिंग स्टेट में परमानेंटली नहीं रहता पोर्ट आपका, 15 सेकंड ही रहेगा मैक्सिमम। लर्निंग स्टेट जो है वो भी एक क्या है, ट्रांजिट स्टेट है, इसमें भी 15 सेकंड के लिए रहेगा। और ये जो है आपकी एक, ये एक स्टेबल स्टेट है, पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ये चीज। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ये तो हमने वो डिस्कस किया जो आप लोग सीसीएनए में पढ़ के आए, ठीक है। नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।